क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फोर है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 13.1 का, क्या कह रहा है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, जैसे ये ले लिया, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रख दिया, ये तो एक्चुअली छोटा पड़ रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा मान लो, ऐसे इसने इसको ढक लिया, मान लो ये, मान लो कि ये ले लो, चलो ये है, ये ले लो, ये इसको मान लो क्यूब, क्यूबॉइड है, वैसे ही क्यूब मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मानना ही तो है, क्यूब मान लो कि सारी साइड इक्वल है, इसके ऊपर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, ये इसके साइज का नहीं है, ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, समझने के लिए, तो इसके ऊपर ये रख दिया, तो ये हिस्सा क्या है, सर्कल, ये इससे ढक गया पूरी पूरी तरीके से, ये ऐसे रख गया, तो ये नहीं दिख रहा है ना, तो अब ऊपर से कोई दिखेगा तो उसको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक तो इसका पूरा सरफेस एरिया, मतलब PSA प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, तो दिख क्या नहीं रहा है, सर्कल नहीं दिख रहा है, तो सर्कल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ में आ गया, अच्छे से ये देखो, और इसकी डायमीटर क्या होगी, देखो ये ऐसे है, ये इसे समझ लो, इसने इसको पूरा ऐसे ढक लिया, तो इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, यही तो इसकी डायमीटर कहलाएगी, मतलब क्यूब की साइड जो हो गई वो इसकी क्या हो गई, क्यूब की जो साइड होगी इसकी डायमीटर, इसकी डायमीटर होगी किसकी, हेमिस्फीयर, तो यही पूछा है पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत, अब फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या है, देखो ये फिगर है, ये क्यूब बना लिया मैंने, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया ऐसे, है ना, क्यूब बन गया अच्छे से, अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर, मतलब कोई सी एक साइड ले लो, ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला, मतलब कोई सी एक सरफेस ये वाला ले लिया, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, कैसे है, ऐसे ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, आया समझ में, ये हेमिस्फीयर है पूरी तरीके से, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, तो कैसे लिखेंगे, हमसे क्या पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया जब भी बोले ऐसे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA of किसका, क्यूब, याद रखना, जिस फिगर के ऊपर दूसरी फिगर हो, मतलब नीचे क्या है, क्यूब है, उसका क्यूब की जगह सिलेंडर होगा, स्पेयर होगा, कुछ भी होगा, उसका TSA ही लेंगे, क्योंकि वो पूरा दिख रहा है, क्योंकि वो पूरा दिख रहा है, समझ में आ गया, तो TSA of क्यूब प्लस प्लस CSA of हेमिस्फीयर, CSA of हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस बेस एरिया, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया मतलब वही पाई आर स्क्वायर, जो ढक जाए, ढक गया तो, ठीक है, TSA क्या होता है, 6a² प्लस 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता, तो यहां से क्या बचेगा, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब देखो 6 ऐसे ही रहा, क्यूब की साइड दे रखी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई, अब हाँ देखो 7 है, वो डायमीटर है उसका हाफ, तो मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, आ गया समझ में, 3.5 मत रखना, दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में, दिक्कत करेगा, 7/2 रखना, ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया ये, 7 या 49 इंटू 6, तो 6 × 49 प्लस, अब यहां देखो इसको लिख लो, पाई को ऐसे लिख लो, 22/7, और यहां देखो 7/2, और यहां पे भी 7/2, देखो इस 7 से और इससे ये कट गया 11, तो ये कितना हो गया, 294 प्लस देखो 77/2, अब 77/2 का तो आप सिंपल सा है 38.5, तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 38.5, तो 294 और इधर लिख लो 38.5, तो कितना हो गया ये 0.5, तो ऐसे ही रहा, और ये 332 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, ये आंसर है, सिंपल सा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है, अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आ सकता है, ये आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो।
तो दोस्तों बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मैंने अच्छे से कोशिश की है सारे तरह के कंसेप्ट करवा सकूं, इसी एक सरफेस एरिया वाली सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवा रहा हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने ऑर्डर से अरेंज किया है क्वेश्चन नंबर 1-2, एक कंपाइल्ड वीडियो भी है और अलग अलग भी है, आराम से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन कर लो तब तक।